लंबे समय से स्कूल संचालकों की मनमानी का विरोध कर रही ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज बड़ी घोषणा की। एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र कसाना ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आगामी विधान परिषद के चुनाव में इस बार ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन भी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि अभिभावकों का एक प्रतिनिधि विधानसभा में जाकर उनकी आवाज़ उठा सके। अब तक ये चुनाव केवल शिक्षकों के बीच ही होता रहा है, लेकिन इस बार पेरेंट्स एसोसिएशन भी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से अपना प्रतिनिधि यतेंद्र कसाना को बनाने की घोषणा की है। मालूम हो कि स्कूलों में फीस वृद्धि और यूनिफॉर्म और किताबें स्कूल से ही खरीदने के मामले को लेकर ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने अभियान चलाकर इनका विरोध किया था। आए दिन स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर उनकी मनमानी पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी बीएन सिंह ने उनकी समस्याएं सुनी और स्कूलों पर शिकंजा कसा। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि फीस बढ़ोतरी के मामले में विधायक और सांसदों ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है कि आने वाले एमएलसी के चुनाव में ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन हिस्सा लेगी। डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी है वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रही है। हम लोग जो अभिभावक हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग जब डीएम साहब के पास शिकायत के लिए जाते हैं तो अभिभावकों को बुला के धमका दिया जाता है और डराया जाता है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की होगी। हम उनके पास जाते हैं याचक बनकर, वो हम लोगों को धमकाते हैं जैसे कोई हम लोग अपराधी हो। तो उस सब का थोड़ा सा बात करने के लिए प्रेस की गई थी। इसके अलावा प्रेस का एक और कारण था कि सारे अभिभावक लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो हमारी बात को आगे रख सके या उच्च सदन तक पहुंचा सके। तो आज हम लोगों के पेरेंट एसोसिएशन ने ये तय किया है कि वो आने वाले स्नातक चुनाव में हम लोग चुनाव में जाएंगे और इसका चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। आगे तो इस मुद्दे को लेकर आपने मुख्यमंत्री देखिए, इस मामले पर हम लोग दो बार डिप्टी सीएम से श्री दिनेश शर्मा जी से बात कर चुके हैं और उनका बड़ा पॉजिटिव रुझान भी रहा है। उन्होंने दोनों बार हमारे सामने फ़ोन करके डीएम साहब को इस बारे में कहा है कि आप पेरेंट्स के साथ इस तरह की बातें ना करें, और यदि वो लोग नहीं मानते तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोर्ट भी है, हम लोग खुद वकील हैं, तो हम लोग कहीं ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश सरकार ने एक फीस का अधिनियम बनाया था जो आज तक पूरे प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है। प्रदेश को छोड़िए, नोएडा जैसा जो हाईटेक शहर है, हाईटेक व्यवस्था है, जागरूक जनता है, वहाँ ये लागू नहीं हो पाई है। हमारे ना विधायक सुनने को तैयार है, ना सांसद सुनने को तैयार है। डीएम साहब पिछले 8 महीने से मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने एक औपचारिकता के नाम पर पंचवर्षीय योजना बनाई हुई है। डीएम साहब ने आते 2 महीने बाद आदेश करते हैं, उसको 2 महीने बाद जवाब स्कूल की तरफ से आता है। स्कूल उल्टा उनको चैलेंज करता है, उनके आदेश को और उनके नियमों को। तो अभिभावक केवल स्कूल और इनके बीच की कठपुतली बनकर रह चुके हैं। अभी तक किसके पास गए? 2-3 बार अभी तक मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, उनकी तरफ से कभी नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन अभी तक कोई समाधान इसका नहीं हो पाया है। इसलिए अभिभावकों ने अभी यह निर्णय लिया है कि स्नातक चुनाव जिसमें अभी तक शिक्षक संघ लड़ता आया है, इस बार हम लोग अभिभावक को लड़ाएंगे ताकि हमारी बात कम से कम वहाँ पर पहुँच पाए जहाँ हम अपनी बात पहुँचानी है, इन बातों को संज्ञान लेने के लिए, उनकी कार्रवाई करने के लिए। क्योंकि ना हमारे जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार है, ना हमारे सांसद सुनने को तैयार है। इस देश में जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके होने के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यह हल किया हुआ है कि इनके संरक्षण में व्यवस्थाएं चल रही है, यहाँ पे कोई समाधान करने को तैयार नहीं है। अभिभावक आज भी वैसे ही लूटे जा रहे हैं। प्रदेश ने जो जो फीस का अधिनियम बनाया था उस पर आज तक तंच मात्र भी कोई समाधान नहीं हो पाया किसी स्कूल का। हमारे एसोन की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी हैं यतेंद्र कसाना जी, उनको हम अपनी तरफ से इस पर खड़ा कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और निसंदेह पूरा इसमें प्रयास हमारा रहेगा कि पूरे दोनों मंडलों के अभिभावकों को इसमें जोड़ा जाए। अभी बहुत हमसे जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में, पूरा सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल, जिसमें बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद सारा इसमें आता है, सारे अभिभावकों को जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें एक मुख्य समस्या जो मैंने पहले बताया था वो है स्नातक बोर्ड की। उसमें एक बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है, आम चुनाव के वोट तो ऑनलाइन बन जाते हैं लेकिन इसके वोट ऑनलाइन नहीं बन पाते हैं। उस पर चुनाव आयोग को भी और जो संबंधित व्यवस्था है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज तक बहुत से लोग तो ऐसे उनको पता ही नहीं है इसमें तक चुनाव में वोट कैसे डाला जाता है, कौन डाल पाते हैं इसमें, क्योंकि इसके वोट ही नहीं बन पाते। आप तो क्या मांग कर रहे हैं?
ऑनलाइन प्रक्रिया होनी चाहिए और पूरी पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए इसमें, ताकि जितने स्नातक वर्ग है, युवा वर्ग है, आज का जो अभिभावक है वो अधिकांश वो युवा वर्ग है, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, दोनों अधिकांश पढ़े लिखे परिवार से, और खासतौर से यहाँ हाईटेक शहर में तो है, जो है आप देख रहे होंगे बच्चे का एडमिशन कराना कितनी बड़ी समस्या है, उसके बाद तमाम माध्यमों से स्कूल और ये मिलकर लूट रहे हैं, प्रशासन अपनी तरफ से दिखावटी कार्रवाई करता है, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर चुप बैठ जाता है, फिर एक नया आदेश आ जाता है, नया तुगलकी फरमान जारी हो जाता है, बस अभिभावक इसी आस में बैठे हुए कुछ ना कुछ इस पर सुनवाई होगी, कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक समाधान कोई नहीं हो पाया है। 2 महीने की तारीख मिल जाती है, बस तारीख पर तारीख हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं।